हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन रिएक्शन वीडियो। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज की इस वीडियो का टाइटल होने वाला है पाकिस्तान घोष हंटिंग वीडियो, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, इसलिए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम्हारे घर कोई शैतानी रूह आ गई तो तुम किसको बुलाओगे? घोस्ट हंटर्स, पाकिस्तानी घोस्ट हंटर्स। लेकिन सबसे ज्यादा भूतों से उन्हीं की फटती है, इनके कान में फूंक भी मार दो। भाई ये किस एंगल से भूत लग रही हैं? इनके हाथों में देखो ईटे हैं। रुको, कमीज के नीचे चड्डा पहन रखा है। ऐसे जॉम्बी हर ठेके के बाहर मिल जाएंगे। बिग फुट येटी फाउंड इन पाकिस्तान। बस तेरे पीछे कोई चीज़ है। पीछे तो मोदी जी की फोटो है और पीछे ये फुट, पता नहीं यार क्या चीज है ये भूत है भाई। हाँ, बिग फुट दिखाई दिया, मोदी जी ने दिखाई दिया तुम्हें। चूपाकाबरा फाउंड इन लाहौर पाके। चूपाकाबरा? अब भूत क्या चूपा मार के जाएगा तुम्हारा? आज हम पता लगाएंगे कि क्या उस काले साए में कुछ होता है या नहीं। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी वक्त। अरे अरे क्या कर रहे हो चूपा काबरा भाई? ओह, जो भी कर रहे हो करते रहो। यहाँ से लोग जब गुजरते थे ना खौफ ज्यादा हो जाते थे, कुछ महसूस होता है ना। मुझे कुछ ऐसे लगा है कि किसी भाई ने मुझे पहुंचते मान कौन सा खौफ ज्यादा हो जाता है और कुछ कुछ होने लगता है। पकड़ के खींचा। इनकी पर्सनैलिटी पैरानॉर्मल है, हाँ नहीं चल रही है, कोई इन्हें खींच रहा है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा है, कोई इनकी छाती पे नाच रहा है, अस्थमा का मरीज होगा उसको जिन घोषित कर देंगे। हम इस जगह का विजिट करना चाहते हैं, आपका कोई बच्चा कोई फैमिली मेंबर। भाई इतनी घमासान गांड फट रही है तो कर क्यों रहे हो? हर दो दो सेकंड में कुछ एहसास और महसूस होना शुरू हो जाता है। और बकचोदी देख लो, तीनों अलग दिशा में देख रहे हैं। और जो साइड में शूरवीर फीमेल घोस्ट हंटर है वह विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बनना चाहती है। मैं कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। कम्युनिटी कौन सी कम्युनिटी के लिए भाई काम करना चाहती है? भूतों के लिए एक्टिविस्ट हूँ जिससे कम्युनिटी के लिए काम करना चाह रही है। क्या हुआ? जिसको खुद इतना डर लगता है। हम जल्दी से बस शो खत्म करते हैं। हो गया नाइट आउट, एक्टिविस्ट से मंत्री बना दे। अभी तो भूत दिखाई भी नहीं दिया है, ऐसे कौवे मारने वाली चीखे मार रही है। अब भूत पकड़ने के लिए डायन कॉल ले जाता है। ओ भाई ये भूत है, ये तो लग रहा सस्ता नशा करके कोई इंसान खड़ा है। ये कौन दुबई से भागा हुआ मजदूर है? इधर जैसी थूत बना रखी है, ये क्या घंटा डराएगा? भूत खुद सहमा हुआ लग रहा है। और घोस्ट हंटर की आवाजें सुन लो, ऐसा लग रहा है कोई बुड्ढा सेक्स कर रहा है। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तो इनकी जमीन है। कौन कहता है? ये मेरे मतलब भूत इस तरह बात करता है क्या? पहली बार है। यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। ऐसे कैसे खेल रहे हैं? भूत है कि रैपर? दुनिया को हम जैसे तैसे झेल रहे हैं। यहाँ पे मेरे बच्चे खेल रहे हैं। रहूंगा वही है तू जहाँ पे। चले जाओ, मेरे बच्चे हैं यहाँ पे। हम चले जाएंगे, आप बताओ क्यों रहते हो यहाँ पे, क्या वजह है? ये मेरा घर है। ये तो इनकी जमीन है। भूत के कान कमजोर हो रखे हैं, अगर तुम मरने के बाद अपाहिज बन जाओ तो भूत बनने का फायदा क्या है? ऐसी बात नहीं मानेगा। ये भाई हाथ क्यों हिला रहा है इस तरह? मतलब इस तरह भूत भगाया जाता है क्या? ये पाकिस्तानी पाब्लो एस्कोबार डॉक्टर स्ट्रेंज बनना चाह रहा है, पर तो कुछ रहा नहीं है, बस उंगली घुमा लो। और जब भैया घोस्ट हंटर चिल्ला रहा था तो भूत के कान कमजोर थे, अब जब वो खुसर पसर कर रहा है तो अगले का शरीर भसम हो रहा है। नहीं सही कह रहा भाई, क्यों भूतों की इज्जत डुबा रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? तुम क्या लोगे यहाँ से हमसे? 100 भैंसों का गोश्त चाहिए। नहीं, मुझे 50 भैंसों का खून। नहीं। ओ भाई 50 भैंसों का खून।
50 नहीं चाहिए, ये गरीब लोग हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं। मुझे लगा ये भूत पकड़ने आया, यहाँ तो सौदेबाजी चल रही है। घोस्ट हंटर प्रॉपर्टी डीलर भी है, 100 से 50 पे ले आया और उंगलियां से हथियार की तरह दिखा रहा, जैसे गोली मार देगा। जरा सोचो, जब सब रात को घोड़े बेच के सो रहे हैं तो दुनिया के किसी कोने में ऐसी भेड़ी नौटंकी चल रही है। नहीं मत बढ़ो, एक भैंस भी नहीं, सिर्फ तुम्हें एक बकरा यहाँ पे, क्या ये कबूल है आपको? हाँ। एक भैंस भी नहीं, बकरे मैंने पटा दिया। ऐसा नाड़ी में पहली बार देख रहा हूँ जो मरने के बाद भी नुकसान में जी रहा है। ऐसे सस्ते बिकाऊ लोग नहीं पसंद। अच्छा तो आर्टिफॉक्स लाया है दिवाली सेल, जैकेट्स, हुडीज, बैग्स आदि, तकरीबन सारे प्रोडक्ट्स पे 40% का डिस्काउंट। और ActiveFox ने गेमिंग माउस भी लॉन्च किया है जो पूरा रिसाइकल प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर्ड है और इनके सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हैं। तो जाओ जाके लो बे। हाँ तो कहा थे हम, सस्ते बिकाओ लोग, तुम जा सकते हो, जाओ निकलो। भाई ये भूत है या किसी इंसान को बोल रहे हैं जाओ निकलो? कसम से पूरा कॉमेडी वीडियो बना दिए इसको, कुत्ते की तरह भगा दिया। अब तो दया आ रही है अगला प्लीज और कह रहा है प्लीज। अच्छा हुआ ये भूत है, वरना इतनी बेइज्जती के बाद जिंदा कौन रहना चाहता है। तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिलती है? अगर तुम पूरी शिद्दत से किसी की गांड में उंगल करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, चाहे वो गांड जीवित हो या मरी हुई। अब चलते हैं दूसरे गोश्त हंटर। ऐसे थोड़ी मिलेगी मुक्ति, इन भूतों से सही में डर लगने लगा है। आज टांग उठाइए, कल को घोड़ी ना बना दे। क्यों ऐसा कर रहे? धोखेबाज भूत है, विक्टिम कार्ड खेल रहा है। और घोस्ट हंटर भी तो घड़े बकचोद हैं, भूत के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। चल 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 भाई ये क्या हो रहा है? अपनी बार भूखे हमारे साथ चलो, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। पहले ये घोस्ट हंटर थे, अब ये कानून बन गए हैं। अबे सप्तर्षी हैंडल हो, खुफिया अड्डे पे जाकर दाऊद थोड़ी पकड़ रहे हो, खंडरों में काला सपोला पकड़ा जा रहा है। कानून, नौकरी चौकीदार की इज्जत सीबीआई वाली चाहिए। ये कुंग फू मास्टर बन रहा है भाई। ये काला जादू नहीं करता, ये खुद काला जादू है। एक तो बाल के नाम पे जो मस्करी झाटे लटका रखी है ना, अगले को किलो से ज्यादा सकल छुपाने की टेंशन है। छह फुट 4 इंच का पठान बिलोटे की तरह लड़ रहा है। अबे तुम कानून बनने आए थे या खातून? घोस्ट हंटर और भूत से ज्यादा मियां बीवी का रिश्ता लग रहा है। लेकिन डर का सामना करने वालों की फटके 4 नहीं होती और गांड में उंगल करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये क्या आवाज है? पिल्ला टायर के नीचे आ गया क्या? पाकिस्तान में भूत से बढ़िया तो बकरे की जिंदगी है। ऐसी रगड़ा देख के तो मुजरिम भी साधु बन जाए। क्या दोगे? पैसे दोगे? कितना चाहिए? पैसे दोगे? कितने चाहिए अपने को? 1 करोड़, 2 करोड़ कितनी चाहिए अपने को? भाई भूत भी 1-2 करोड़ रुपए पैसे दे रहा है, देख रहे हो? रिश्वत दे रहा है। अरे खंडर में रह रहा है, 2 करोड़ इतना घसीटने के बाद भी मान नहीं रहा है। जैसी इसकी हालत है ये शरीर के सारे पुर्जे बेचने जाएगा तब भी 5 लाख से ऊपर की कहानी नहीं है, उसमें भी 50 बीमारियां निकलाएंगी। तो बच्चों इस वीडियो से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चाहे भूत हो या इंसान, पकड़ा तो गरीब ही जाता है। खैर हम ये भी देख लेते हैं हमारे यहाँ की घोस्ट हंटिंग कैसी है। चार्ली, दिल्ली की सड़कों पे विदेशी भूत बुलाया जा रहा है। और ये भूतों के क्या नाम है? चार्ली, जॉनी, पीटर, लौड़ा, लसन। और ये इतने पढ़े लिखे हैं, तीनों की स्पिरिट अलग है। शहर में 1000 शिक्षा केंद्र और खुल जाए, लेकिन जब दिमाग ही लंडे तो सरकार भी क्या कर लेगी? मैं आवाज आ रही हूँ भाई, चलो 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 भाई चलो। हुआ क्या एक्चुअली? हुआ क्या मैं समझ नहीं पाया, सारे भागे क्यों? लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ चुतियाफा हो रहा है भाई। हंडल को पता ही नहीं है भागा क्यों, सारी दुनिया जान की बुद्धि नहीं क्यों दे रखी है। ये इतने होशियार है, इन्हें लगता है इलोन मस्क किसी रॉकेट का नाम है। मैं समझ नहीं पाया यार, बंद करो ये कमरे वमरे, बंद करो कमरे वमरे। अरे दीदी कैमरा होता है, हे भगवान, बच्चे की ट्यूशन भी नहीं लगवा सकता, अध्यापक अपने गोली मार लेगा। इंसान के शरीर में चूजे का दिमाग दे रखा है। और कैमरामैन देख लो कतई चिल बैठा है, क्योंकि उसकी आंखों ने जो घनघोर चूतियापा देख रखा है ना, अब उसे फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ मैं नहीं चाहता कोई स्पिरिट हमारे साथ हमारे घर तक जाए। कौन सी स्पिरिट?
तेरे घर जाना चाह रही है, तेरी गाड़ी में छलावाना बैठे, भूत तो बहुत दूर की बात है। अगर इसके घर मुक्ति भी मिल रही है ना तो गांड मराए मुक्ति। तो बच्चों हमें इस वीडियो से क्या शिक्षा मिल, शिक्षा की ही तो कमी है। बस भैया बस मुझे मुक्ति दे दो, मेरी स्पिरिट बेचैन हो रही है। अब अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, वरना समझ लो 6 मिलियन लाइक्स। और भैया दिवाली आ रही है, आर्कटिक फॉक्स में 40% का डिस्काउंट भी चल रहा है, तो बिकाऊ कैरी कोड का इस्तेमाल करो बे। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे। अरे तो फिर अभी तो 9 मिनट पहले। अरे भाई मोहित। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाती है। वीडियो बहुत ज्यादा फनी टाइप की थी और इस वीडियो का टाइटल था पाकिस्तानी घोस्ट हंटिंग। तो इसका घोष से कोई लेना देना नहीं था भाई, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड था और हाँ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और जिस तरह से दिखाया गया था कि मतलब उन वो लोग हर एक 2 सेकंड में वो लोग इतने मतलब चौंक रहे थे, ओवर एक्टिंग कर रहे थे, ऐसा भाई कुछ भी नहीं होता है। और जो दिखाया गया था कि एक घोष से डीलिंग कर रहे हैं, आज तक ऐसा घोष को वीडियो पर किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो ये सब पूरी तरह स्क्रिप्टेड था। और जिस तरह से बात कर रहे थे, जिस तरह से उसे भगा रहे थे, ऐसे लग रहा है मतलब कोई चपरासी का मतलब खड़ा हो उसको भगा दे भाई, मतलब क्या ही बोले। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।